ये बड़ी खबर है नारदा के स्टिंग से जुड़ी हुई। नारदा के स्टिंग करने वाले व्यक्ति का ही बड़ा सवाल है। जी हां, शुभेंदु अधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल पूछा है मैथ्यू सैमुअल ने। मैथ्यू सैमुअल ही वो व्यक्ति है जिन्होंने स्टिंग किया था, जिसके आधार पर अब कार्रवाई हो रही है। वही ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसी स्टिंग में और भी लोग थे, शुभेंदु अधिकारी थे, मुकुल रॉय थे, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। And my question is, why Shubhendu Adhikari? What happened to him? He also received the money from you, from me, and it was recorded and handed over to CBI. What happened to him? Justice have to go everyone in same manner. Thank you. और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, राजीव जेटली जी, आप ही से मेरा सवाल। ये लगातार, और हमने ये सुनाया भी, मैथ्यू सैमुअल जिन्होंने ये पूरा स्टिंग किया था, उन्हीं का ये सवाल है कि जस्टिस हर जगह पहुंचना चाहिए, न्याय हर किसी के साथ होना चाहिए। अगर कुछ लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ कोई मामला बनता है, तो बाकी लोगों को क्या इस वजह से छोड़ा जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, या जो आरोप लगता है विपक्ष का बार बार कि बीजेपी क्या वो वॉशिंग मशीन है जिसमें जाने पर सभी दाग धुल जाते हैं, वो आरोप फिर क्या जायज है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बिल्कुल बहुत सही बात बोली उन्होंने कि सभी लोगों को क्यों नहीं पकड़ा गया। देखिए, सीबीआई ने वक्त वक्त पे लोगों को कॉल किया, हो सकता है आगे भी कॉल करा जाए। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस बात को कहा कि जिसको सीबीआई बुलाएगी उसे वहाँ इन्वेस्टिगेशन में अपना योगदान देना पड़ेगा, अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी, और जो भी सीबीआई पूछेगी उसका जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी या टीएमसी, क्योंकि टीएमसी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं। आप ये देखिए ना, टीएमसी के सुगेता राय, अपूर्पा पोटकर, ककोली घोष, दस्तीदार, प्रसून बनर्जी, ये सब लोग उस टीम के अंदर थे, लेकिन इन लोगों को अभी सीबीआई ने कॉल नहीं करा। तो कम से कम ये इल्जाम ना लगाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी या टीएमसी। दूसरी बात नहीं, लेकिन राजीव जेटली जी, देखिए आप ही ये कहा करते थे, बीजेपी ये कहा करती थी, ये लगातार आरोप लगा, कोर्ट ने कहा कि ये पिंजरे में बंद तोता है, लेकिन अब जो विपक्ष है, अब टीएमसी और बाकी तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि सीबीआई को भी क्या राजनीति के टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो टाइमिंग है उस पर सवाल उठ रहा है, विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बिना गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठ रहा है, तो क्या ये राजनीतिक खींच है, हार को नहीं पचा पा रही है क्या बीजेपी? देखिए, पहली बात तो गवर्नर की कंसेंट उस वक्त पे लिया गया था जब किसी की सरकार नहीं थी, इलेक्शन का दौर था, तो गवर्नर से कंसेंट लिया गया था, और 2014 से ये केस चल रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि राजनीतिक स्टंट है या राजनीतिक तौर पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी करनी थी तो हम चुनावों से पहले भी कर सकते थे, चुनावों के दौरान भी कर सकते थे। इसी वजह से तो टाइमिंग पे सवाल है कि शपथ लेने के ठीक 15 दिन बाद आप गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो क्या टाइमिंग को लेकर, और उसके पहले अभिषेक बैनर्जी की पत्नी से जब पूछताछ चुनाव के दौरान हुई उसको लेकर भी सवाल कि पहले आपने चुनाव के दौरान एक सवाल जवाब किए, ये पहले भी हो सकती थी जो अब कार्रवाई की गई है, लेकिन उसकी टाइमिंग को लेकर सवाल है कि क्या ये टाइमिंग जो है ये राजनीतिक तौर पर विद्वेषपूर्ण कार्रवाई के तहत है क्या? ये आरोप विपक्ष आप पर लगा रहा है तो क्यों ना वो आरोप लगाए, उसकी क्या सफाई है? 2016, 2017, 2018, 2019 इस वक्त पे कोई चुनाव नहीं था। जब कमिश्नर के खिलाफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना चाहती थी तब दीदी सड़क पे बैठी थी, धरने पे बैठी थी, तब कौन सा चुनाव था? तब कोई चुनाव नहीं था। मुद्दा यहाँ पर ये नहीं है, मुद्दा यहाँ पर है कि एक नया सीन देखने को मिला, देश को एक नई पिक्चर देखने को मिली कि अगर सीबीआई किसी से इन्वेस्टिगेशन करती है तो निजाम भवन जो कलकत्ता में सीबीआई का दफ्तर है उसके ऊपर धावा बोल दिया जाता है, उसके ऊपर पत्थरबाजी की जाती है, मुख्यमंत्री उन लोगों के साथ होती है जो पत्थर फेंक रहे होते हैं, मुख्यमंत्री लेकर के जाती है, आओ सीबीआई के ऊपर अटैक करा जाए, सीबीआई की बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए, सीबीआई को नहीं। राजीव जेटली जी, आप गोल पोस्ट चेंज करें, आप ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं, ममता बनर्जी से वो सवाल पूछा जा रहा है उनकी सरकार से, या ममता बनर्जी को रूल ऑफ लॉ पर भरोसा नहीं है कि ये सवाल उनसे पूछा जाएगा या टीएमसी से पूछा जाएगा? मैं जो आपसे सवाल पूछ रही हूँ आप उसका जवाब दीजिए, जो आप पर आरोप लग रहे हैं उसकी क्या सफाई है? नहीं, हम पे क्या आरोप लग रहा है बताइए? ये आरोप कि सीबीआई का इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है। सीबीआई अपना काम कर रही है, ये जिन लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया वो लोग पैसा लेते हुए स्टिंग ऑपरेशन में दिखाई दिए कि नहीं दिखाई दिए। या तो दीदी इस बात को रखें कि जो लोग आपने पकड़ लिए वो गलत थे, मैं सही लोगों की जानकारी आपको देती हूँ। ये लोग उसी के आधार पर ये सवाल भी पूछा जा रहा है कि मुकुल रॉय भी इस तरह के स्टिंग में दिखाई दिए थे और शुभेंदु अधिकारी भी, इसीलिए वो लोग भी दिखाई दिए थे पैसे लेते हुए।
इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जिसको सीबीआई कॉल करेगी उसे जाना पड़ेगा, जिसमें 5 टीएमसी के बहुत बड़े लीडर्स हैं जिनको उस स्टिंग ऑपरेशन के अंदर पैसा लेते हुए दिखाई दिया था। और रही बात मुकुल रॉय की, मैं भी उस बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि उनकी फिक्र आपकी। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।